और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामशाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामशाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग रायगढ़ ने अनोखा तरीका अपनाया है। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस वेश धरे हुए पुलिस के दो जवान आज शहर में घूम घूम कर लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लापरवाही पूर्वक बिना कारण बाहर घूम रहे लोगों को संदेश दिए कि कोरोना आपसे व आपके घर से तब तक दूर रहेगा जब तक आप उसे खुद लेने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब घर के बाहर निकलने से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावनाएं हर जगह मौजूद हो सकती है। यदि लॉकडाउन में लापरवाही बरतेंगे, बाहर घूमेंगे, भीड़भाड़ लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, नियमित हाथ की सफाई नहीं करेंगे, तो कोरोना वायरस के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे खुद तो संक्रमित होंगे ही अपने घर परिवार मोहल्ले में भी इस संक्रमण को फैलाएंगे, जो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने अपने घरों पर बने रहें, शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, नियमित हाथ धोते रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। उल्लेखनीय है कि प्रशासन और पुलिस विभाग कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने लगातार मुहिम चला रही है। लॉकडाउन का पालन करवाने स्वयं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, एसपी श्री अभिषेक वर्मा व सीएसपी अविनाश ठाकुर मोर्चा संभाले हुए हैं। वर्तमान परिदृश्य में लॉकडाउन का पालन करना क्यों जरूरी है, इस संबंध में लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रामशाजर।